असलकुम हज़ोर मेरा सवाल यह है कि यूरोपियन यूनियन ने एक नया लॉ पास किया है जिधर एक एम्प्लॉयर एक हिजाबी एम्प्लोई को फायर कर सकते को एक्सप्लेनेशन के बगैर तो हजूर आप हमें क्या एडवाइस दे सकते हो कौन सी गाइडलाइंस बात यह है कि हम करना कानून है इसके खिलाफ आवाजें भी उठ रही हैं ठीक है और ये तो ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है एक शख्स हिजाब लेता है वो कहता है मेरे मजहब का हिस्सा या कल को वो यहूदियों को कहेंगे तुमने वो जो टोपी पहनते हो छोटी सी सर पे रखते हो वो सर पे रख के नहीं आ सकते ठीक है मर्दों को कहेंगे तुम टोपी नहीं पहन सकते या जो सिख जो हैं उनको कहेंगे तुम पगड़ी नहीं बांध सकते तो जो उनके राइट्स हैं उन उनको तुम डिनाई कर रहे हो तो इसलिए कानूनी गलत है आप ये ऐद करती हैं मैं दीन को दुनिया पर मुकदम रखूँगी ठीक है अगर कहीं ऐसी जगह नहीं फिर नौकरी मिलती जहाँ जो हिजाब की इजाज़त नहीं है इसके बगैर हिजाब उतारे बगैर नौकरी नहीं मिलती तो आप उस नौकरी को छोड़ दें इंसान को चाहिए कि दीन को दुनिया में मुकदम रखें यहद किया है ना हर दफा दफ़ाहद दो हैं अपने इजलासों में तो फिर ये येद है और उसके ख़िलाफ़ लीगल फाइट भी करनी चाहिए और शोर भी मचाना चाहिए लॉबिंग भी करनी चाहिए कानून जो बनाए हुए हैं इंसानों के पार्लियामेंटों में कोई शरीयत के कानून तो नहीं जो हमेशा कायम रहेंगे इसके खिलाफ आवाज़ें उठेंगी एक वक्त आएगा जब ये कानून ख़त्म हो जाएंगे कई इनके अपने कानून बनाए हुए हैं जो ऐसे आस्ते ख़त्म हो रहे हैं जो तो हमारा भी काम है कोई आवाज़ उठाते रहें आज नहीं तो पाँच साल बाद दस साल बाद या अगली नस्ल को कम अज़ कम आज़ादी मिल सकती है लेकिन एक बुनियादी बात हमें याद रखनी चाहिए कि हमने दीन को दुनिया पर मुकदम रखना है ठीक है और जो ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और फिर ये एक तरफ कहते हैं ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं दूसरी तरफ जो राइट हैं औरतों के इस्लाम के उसको डिनाई कर रहे हैं हैं तो इसके खिलाफ लिखो अखबारों में आहमदी लड़कियों को चाहिए ना कि लिखें अपने स्वीडिश अखबारों में भी लिखें यूरोपियन अखबारों में भी लिखें जहाँ जहाँ जिसकी जिसकी से है। मैंने कहा भी वो काम करें तो आप लोग भी काम करें स्वीडन में लिखें कि ह्यूमन राइट्स के तो वायलेशन तो आप लोग खुद करते हैं ऐसे कानून पास करके एक पोटेंशियल शख्स है एक बड़ा अच्छा कैलिबर का शख्स है एक अच्छी साइंटिस्ट औरत है एक अच्छी डॉक्टर है सर्जन है लेकिन उसको उसका एम्प्लॉयर सिर्फ इसलिए फायर कर देता है कि जी तुम तो हिजाब पहनती हो तो ये कोई इंसाफ तो नहीं है ये तो उस पोटेंशियल को वेस्ट करने का है और एक अच्छे दिमाग को उसके राइट right से महरूम करने का सवाल है ठीक है तो इसप खिलाफ लिखें लॉबी करें शोर मचाओ या शोर मचाने से बड़ा कुछ हो जाता है तुम लोग भी लिखो ठीक है